समृद्धि आदर्श की रसोई में आपका स्वागत है। सो फ्रेंड्स, आज मैं बनाने जा रही हूँ पकौड़े की कड़ी। ये देखिए कितनी शानदार कड़ी बनाई है मैंने। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैं हल्दी को पीस लेती हूँ। ये देखिए, हम गांव आए थे तो हमने गांव में चूल्हे से कड़ी की वीडियो बनाई है। ये देखिए, ये रेसिपी मैं गाँव से बना रही हूँ। सबसे पहले हम हल्दी पीस लेते हैं सिलबट्टे से। ये देखिए, देसी तरीका है हल्दी पीसने का। ये बहुत ही अच्छी लगती है, इस तरह से हल्दी पीसेंगे। मसाला इस तरह से हम पीसते हैं तो बहुत टेस्टी लगती है सब्ज़ी। ये देखिए, चूल्हे में हमने आग जला दी है, कढ़ाई को रख दिया है। सबसे पहले हम तेल को लगाएंगे इसके अंदर। सरसों का तेल लिया है हमने कड़ी बनाने के लिए। और हम थोड़ा बेसन लेते हैं। ये मैंने 250 ग्राम करीब बेसन लिया है, इसकी हम कड़ी बनाएंगे। सबसे पहले हम पकौड़ी को बनाएंगे। बेसन को घोल लेते हैं। सबसे पहले हमने छान लिया है बेसन। ये देखिए, इधर हमने कढ़ाई में तेल लगा लिया है ताकि तेल गर्म हो जाए। इधर हम बैटर बना लेते हैं बेसन का। ये देखिए, हमने थोड़ा थोड़ा करके पानी डाला है ताकि बेसन गीला ना हो जाए। ये देखिए, इस तरह हमें बना लेना है। ना तो ज़्यादा गीला है ये और ना ही ज़्यादा गाढ़ा है ये। ये देखिए, इस तरह के हमें बना लेना है। तो चलिए, अब हम पकौड़ी बना लेते हैं। तेल गर्म हो गया है, अब हम पकौड़ी तोड़ते हैं इस तरह की। थोड़ी थोड़ी हमें बना लेना है। एक साथ हमें ज़्यादा पकौड़ियों को नहीं डालना है, नहीं तो क्या है, ये कम तेल में सिक नहीं पाएंगे अच्छे से। इनको चलाते हुए हमें सेक लेना है। ये देखिए, इतनी हमें सेक लेना है इनको। ये अच्छी सिक गई हैं। अभी हम दोबारा से तोड़ेंगे पकौड़ी। इसी तरह हमें और भी पकौड़ी बना लेना है। ये हम नए तरीके से कड़ी बना रहे हैं। गांव में लोग इसी तरह कड़ी बनाते हैं मट्ठे से, ये बहुत टेस्टी लगती है। ये देखिए, अब हम इनको भी निकाल लेना है। देखिए, पकौड़ी हमारी दोबारा से भी सिक चुकी हैं, अब इनको हम निकाल लेते हैं। थोड़ा सा बेसन हमें कड़ी बनाने के लिए भी रखना है। ये देखिए, बाबू खेल रहा है चारपाई के ऊपर। इधर हम कड़ी बना रहे हैं। ये देखिए, इस तरह हमें थोड़ा बेसन बचा के थोड़ा इसका बैटर बना लेना है। छाछ को मिला मिला के हम इसका बैटर बना लेते हैं। इसी में हम छाछ को भी छान देते हैं बेसन में। थोड़ा सा हमने बेसन बचाया है, इसका जो ग्रेवी है कड़ी की वो हम बनाएंगे, कड़ी बनाएंगे इससे, छाछ से। चूल्हे को हमने अभी बुझा दिया है,
नहीं तो क्या है, कढ़ाई में बहुत तेल गर्म हो जाएगा, धुआं निकल जाएगा। देखिए पकौड़ी हमने रखी है बना के, इधर हमने धनिया डाल दिया है, सूखा धनिया और प्याज और लाल मिर्च जो साबुत होती है सूखी हुई, उसको हमने तोड़ के डाला है। प्याज को हमने बारीक बारीक काट लिया है, उसको भी हम भून लेते हैं। सारे मसालों को हमें भून लेना है। फ्रेंड्स इस तरह आप कढ़ी बनाएंगे तो बहुत टेस्टी बनेगी। गांव घर में लोग इसी तरह कढ़ी बना के खाते हैं, बहुत अच्छी लगती है हम लोगों को, इसीलिए हमने सोचा आप लोगों को एक वीडियो गांव की तरफ से डाल देते हैं। ये देखिए ये घर का बना छाछ है, ये हमारी घर में जो गाय भैंस है उसका हमने छाछ बनाया है, उसकी हम कढ़ी बनाएंगे। ये देखिए सबसे पहले मैंने हल्दी मिर्च डाल दी है इस मसाले में, थोड़ा सा हम पानी लगाते हैं ताकि क्या है ये जले नहीं हल्दी मिर्च, और मैंने हींग भी डाली है इसमें। देखिए बेसन और मट्ठे को हम घुमाते हुए एक अच्छा बैटर बना लेते हैं पानी डाल डाल के। इधर मसाला हमारा भुन रहा है, अभी देखिए मसाला हमारा भुन गया है। अभी हम इसको थोड़ा थोड़ा करके कढ़ाई में लगाएंगे एक साथ, और इसको घुमाते हुए हमें रखना है, नहीं तो क्या है कढ़ी हमारी फट जाएगी, इसलिए इसको चलाते रहना है जब तक इसमें उबाल नहीं आएगा। कढ़ी को हमें लगातार चलाते रहना है जब तक ये खोलेगी नहीं, जब तक इसमें उबाल नहीं आएगा तब तक हमें इसे चलाते रहना है करछली से। ये देखिए मैंने और पानी लगा दिया है, इसमें हमने लगभग 2 लीटर पानी लगाया, क्योंकि बड़ा परिवार है तो ज़्यादा बनानी है हमें, इसीलिए हम उसी हिसाब से पानी लगा रहे हैं। आपका जितना बड़ा परिवार है आप उस हिसाब से लगा सकते हैं, हमने ज़्यादा क्वांटिटी में बनाई है कढ़ी। कढ़ी को हमें उबालना है, उसके बाद हम पकौड़ी को डालेंगे। ये देखिए कढ़ी हम चलाते हुए इसको बनाएंगे। आग को हमें तेज कर देना है चूल्हे में। देखिए कढ़ी उबल गई है, अभी हम पकौड़ी को डाल देते हैं कढ़ाई के अंदर। ये देखिए कितना अच्छा कलर आ गया है कढ़ी में हमारी। बहुत ही टेस्टी कढ़ी हमारी बनके तैयार हो गई है। थोड़ी देर के लिए हम और पकाएंगे, उसके बाद हम इसको सर्व करेंगे। देखिए कढ़ी हमारी बनके तैयार हो गई है। देखिए फ्रेंड्स कढ़ी बनाने का तरीका कैसा लगा है तो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए वीडियो को, लाइक करें, सब्सक्राइब करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। अगली वीडियो में हम फिर मिलेंगे, तब तक के लिए बाय बाय।